नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। देश के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण के एक विशेषज्ञ समिति ने बुधवार को एंटी कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को नियमित विपणन मंजूरी प्रदान करने की अनुशंसा की है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। गौरतलब है कि अभी देश में इन टीकों के आपात इस्तेमाल की मंजूरी है। फार्मा कंपनियों सीआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने भारत के औषधि महानियंत्रण को अपने कोविड रोधी टीकों क्रमांश कोविशील्ड और कोवैक्सीन के नियमित विपणन मंजूरी की मांग करते हुए आवेदन जमा किए हैं। एआईआई के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने इस मामले में 25 अक्टूबर को डीसीजीआई को एक आवेदन दिया था। इस पर डीसीजीआई ने पुणे स्थित कंपनी से अधिक डेटा और दस्तावेज मांगे थे, जिसके बाद सिंह ने हाल ही में अधिक डेटा और जानकारी के साथ एक जवाब प्रस्तुत किया था। माना जाता है कि सिंह ने अपने जवाब में कहा कि भारत में चरण 2-3 चिकित्सा अध्ययन के सफलता से पूरा होने के साथ ही अब तक इस देश और दुनिया भर के लोगों को कोविशील्ड टीके की 100 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा था, कोविशील्ड के साथ इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण और कोविड-19 की रोकथाम अपने आप में टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता का प्रमाण है। वहीं कुछ हफ्ते पहले डीसीजीआई को भेजे गए एक आवेदन में हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के पूर्णकालिक निदेशक वी कृष्ण मोहन ने कोवैक्सीन के लिए नियमित विपणन मंजूरी की मांग करते हुए टीके से संबंधित समुचित जानकारी उपलब्ध कराई थी। वे कृष्ण मोहन ने आवेदन में कहा था कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने भारत में टीके के विकास, उत्पादन और चिकित्सा मूल्यांकन करने की चुनौती ली। आधिकारिक सूत्र ने कहा, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोविड-19 संबंधी विशेषज्ञ समिति बुधवार को दूसरी बार SII और भारत बायोटेक के आवेदनों की समीक्षा की और कुछ शर्तों के साथ कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन को नियमित विपणन की मंजूरी देने की सिफारिश की। पिछले हफ्ते की बैठक के दौरान SEC ने दोनों कंपनियों से अधिक डेटा और जानकारी मांगी थी। तो वैसे ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।